और ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ MTS एग्जाम्स के लिए। जब आप वोकैबुलरी की बात करते हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट से ज़्यादा गलत होते हैं। और MTS के एग्ज़ाम की डेट आपको पता है, MTS के एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। वन हु स्टडीज द स्काई एंड स्टार्स, जो ग्रहों नक्षत्रों सूर्य चंद्रमा तारे इनका अध्ययन करता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजर, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज होते हैं। वन हु प्रेडिक्ट्स आर फ्यूचर, जो हमारा भविष्य बताता है, जो हमें हमारी जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिषाचार्य। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुली हैंड राइटिंग, जब हम अच्छा लिखने की कला करते हैं, जब हम अच्छा लिखते हैं उसे कहते हैं कैलीग्राफी। उसके बाद आपके सामने है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, हम एक ऐसी स्टडी की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये बताएं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और शब्दों का इतिहास क्या है, उसे कहते हैं इटाइमोलॉजी। उसके बाद है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, नुमिसमेटिक्स कहते हैं। स्टाम्प कलेक्शन, उसे कहते हैं फ्लेटली। वन हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, एक ऐसा इंसान जो प्लांट्स और एनिमल लाइफ का अध्ययन करता है उसे कहते हैं नेचुरलिस्ट। उसके बाद वन हु स्टडीज द रिलेशन ऑफ ह्यूमन टू एनवायरनमेंट, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन का एनवायरनमेंट से रिलेशन कनेक्ट करता है उसे कहते हैं हम इकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद है द साइंस ट्रीट्स विद ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा, और उसे हम कहते हैं सीस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सीस्मोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी उसी से रिलेटेड होता है, ज्योतिषी से रिलेटेड। वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसे कहते हैं सोमनोवलिस्ट, और नींद में बोलने वाला सोमनोलॉकिस्ट कह देंगे उसको। बोलिस्ट की जगह फिर लॉकिस्ट आ जाएगा, लॉकी का मतलब बोलना। ये अब गैरुलस होता है जो ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को गैरुलस कहते हैं। कुछ और वर्ड्स देखो, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग एंड मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट यू आर ऑनेस्ट, जरा इस पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, ये भी आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा। टू निग्लेक्ट आवर ड्यूटीज डेलिबरेटली, जानबूझकर अपनी ड्यूटीज अपने कर्तव्यों को नकारना या दूर भागना। टू कन्फेस योर मिस्टेक फॉल्ट, अपनी गलती स्वीकार कर लेना। टू बी ओबीडियंट टू योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। या टू बिहेव रूडली, किसी के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करना, क्या कहेंगे? जब हमसे कोई गलती हो जाए, हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें, अपनी गलती मान लें, उसके लिए इस idiom का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं टू कन्फेस योर मिस्टेक्स फॉल्ट। बचपन में मम्मी कहती थी ना, बता दो अब नहीं मारेंगे, सही बता दोगे तो नहीं पीटेंगे, ऐसा होता था बचपन में। हिज ऑल डीड्स आर कम्प्लीटली अबव बोर्ड, अबव बोर्ड आपका एक फ्रेज है, इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है डिसऑनेस्ट एंड इलीगल, ऑनेस्ट एंड लीगल, कन्फ्यूजिंग एंड एरनस, काइंड हार्टेड एंड फॉरगिविंग। अबव बोर्ड का मीनिंग बताना है, ये भी आपका एक idiom है। अगर आप पेपर सॉल्व करते हो या फिर रेगुलर स्टडी करते हो या वोकैब की रेगुलर क्लास ये वाली ज्वाइन करते हो तो आपको मीनिंग पता होंगे इनके, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है। एबो बोर्ड मतलब जब हम किसी भी काम को बहुत लीगल और ऑनेस्टी के साथ करते हैं, और ये सब उम्र के साथ आता है। जब हम लोग यंग एज में होते हैं, बचपन में होते हैं, तो रूल्स ब्रेक करने में विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम रूल्स को बनाने में विश्वास रखते हैं। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मीनिंग बताना है। इन अ क्लोज रूम,
इन अ स्मॉल फील्ड, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या इन अ मीडो? शाम को 8 बजे और 9 बजे दोनों क्लासेस आप ज्वाइन करते रहिएगा ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन से डरे नहीं। आप अभी से रिवीजन करते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत रहेगी। इन अ टाइट कॉर्नर, सोचो कि जैसे अभी इस टाइम बारिश हो रही है और ये बारिश बड़ी खतरनाक है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली बारिश हो रही है इस टाइम, और उसके लिए क्या करोगे? बार बार बारिश हो रही है और किसान की फसल नष्ट हो रही है, तो किसान किस सिचुएशन में पहुंच जाएगा? डिफिकल्ट सिचुएशन में। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। मीडो बोले तो घास का मैदान, यहां घास के मैदान का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट, द ट्रैप्ड माइनर्स इन साइल हैड बिकम अकस्टम टू लिविंग इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। अकस्टम टू का मीनिंग बताना है, ये आपका बड़ा अच्छा फ्रेज है, इससे रिलेटेड ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी बनता है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट को ये ब्रेक करता है। कौन से कॉन्सेप्ट को ये ब्रेक करता है? आपके जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है कि हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, लेकिन टू के साथ हम जेरन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यूज़ टू, अकस्टम टू, ऑब्जेक्ट टू, विद अ व्यू टू, इन सब के साथ, लुक फॉरवर्ड टू। तो अकस्टम टू का मतलब होता है किसी चीज़ के आदि हो जाना, किसी चीज़ से बहुत अच्छे से परिचित हो जाना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, किसी चीज़ की आदत के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट, रसिया हैज़ एफिनिटी विद इंडिया। तो एफिनिटी का मीनिंग बताना है, अ ग्रेट एनमिटी, अ ग्रेट डेंजर, अ डुअल रिलेशनशिप, अ क्लोज रिलेशनशिप। एक तरह से यहाँ पर आपको एफिनिटी का सेम वर्ड बताना है। अ ग्रेट एनमिटी, अ ग्रेट डेंजर, अ डुअल रिलेशनशिप या फिर अ क्लोज रिलेशनशिप। एफिनिटी का मतलब होता है जब किसी के साथ में बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो जाए, एफिनिटी, एकॉर्ड, या हम कह सकते हैं एग्रीमेंट। अ क्लोज रिलेशनशिप, कई बार इसके लिए अकॉर्ड भी मिलेगा, कई बार इसके लिए एग्रीमेंट भी मिलेगा। ये क्लास रोज सुबह 8:30 बजे इंग्लिश विद संजीव सर पर होती है, कंप्लीट क्लास वोकैब की, और वोकैब ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कोर में इजाफा करता है, स्कोर में बढ़ावा करता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC का कोई एग्ज़ाम हो, डिफेंस का हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। वोकैब में अगर क्वेश्चंस गलत करते हो तो स्कोर कम रहता है और मेरिट में पीछे रहते हो। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, रोज़ 8:30 बजे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया करो।